यहाँ से नीचे नव द्वार जो है वो माया की आराधना है, आंख कान नाक वगैरह वगैरह। ये दसवां द्वार जिसे शिव के तीसरी आंख कहते हैं वो अंदर खुलती है, वो गुरु की दीक्षा के बिना नहीं खुल सकती है। अब कितने लोग यहाँ आते होंगे, आपके यहाँ भी उपदेश देते हैं, भांग मत खाओ, अफीम मत खाओ, हीरोइन मत खाओ, नशा मत करो, शराब जहरीली ना करने, लोग इधर से सुनते इधर से निकाल देते। मेरी क्यों मानेगा? मैं कहता हूं मत छोड़ो। अगर आप में से कोई शराब पीता है तो आज से ट्राई कर लेना, एक की बजाय डेढ़ बोतल शुरू कर देना, मगर नाम जब तक जपोगे नहीं तो नहीं छूटेगा। नानक देव जी ने कहा है, भांग दतुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीर साहब ने कही है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिंचन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार ये नाम का नशा जब आ जाएगा और नशे दूर चले जाएंगे, शराब राब तो आज ही छूट जाएंगे। हाँ, अफीम थोड़ा गहरा है, बहुत डूप रेटेड है, बहुत गहरा है, उसका तो असर होता है, उसमें 5-10 दिन लग सकते हैं, मगर छूट जाएगा नाम जब चालू रखोगे। समझे? समझे। नाम के बारे में एक बात बताऊं, रहदास जी के गुरु ने बताया, बेटा ये नाम जब तो उसने जपना शुरू कर दिया, अब वो बंधन ही हो गए। तो रहदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो बीमार है उनको तो अभी से शुरू हो गया, और बीमार नहीं है उनको थोड़ा 15-20 दिन में ध्यान करना पड़ेगा, और काम करते रहो, वो मन ही मन जपते रहो, जीभ और जीभ नहीं हिले, जैसे किताब पढ़ते हो बोले भी ना भी, इसी तरह से मन ही मन जपना पड़ेगा आपको। वो ऐजपा शुरू हो जाएगा, और मैं यहां दिख जाऊंगा, फिर कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, ये आंख खुलना और कुंडलिनी जागृत होना साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। अभी होगा योग, एक खेचरी मुद्रा और लगती है, उसको हमारे योगियों ने, खेचरी मुद्रा में क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है और सख्त होकर ऊपर तालू में धस जाती है, ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिंच करती है, उसमें से एक रस टपकता है, उसका स्वाद बाहर किसी वस्तु में नहीं होता। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। तो अब वो ये अमृत है, तब फिर दूसरा जन्म क्यों होगा? भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य मोक्ष है, ये जन्म मरण के साइकिल से छुटकारा पाने की बात है। समझे? बहुत गुरु है, मैं नाम नहीं कहना चाहता, कहते 20 साल तक जपो। स्वामी रामदेव तो बेचारा फिजिकल एक्सरसाइज कराता है, मंत्र तंत्र की दीक्षा नहीं देता। समझे? तो ऐसा हो जाएगा, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं कहता हूं 20 साल बाद गुरुचला रहेंगे क्या, इसकी गारंटी? और अभी क्यों नहीं होना भाई, 20 साल का झांसा है, अब भी होगा। और होना वाना कुछ नहीं है, आप जन्म से पूर्ण हो, आप नहीं जानते आप क्या हो। मैं तो आपको अपने आप से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, दूंगा कुछ भी नहीं, देने लेने के किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है। समझे? अब कई कहते हैं कितनी देर में लगा, तो मैं उदाहरण दूं आपको, राजा जनक को एक खपत सवार हुई, राजा जनक को एक खपत सवार हुई कि तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाए। उसने बहुत गुरुओं को बुला लिया,
वो नहीं बता सकते, इतने मुदर से अष्टावक्र जी आ गए। तो अष्टावक्र के आठ कोप थी बेचारे का, वो गुरु जो है उसको देख के हंस दिया अष्टावक्र जी को। जनक ने पूछा महाराज ये तो नहीं बता सकते, आप बता दो। तो पहले उनको जवाब दिया कि ये तो गुरु तो खाल के व्यापारी हैं, आप बता दो। तो कहने का तू राजा है जनक है और हुक्म देगा बता दो तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये ज्ञान तो झुकने से ही मिलता है, गुरु के सामने समर्पित भाव से। तो उदाहरण आता है कि जनक ने घोड़े के एक रकाब में पैर रखा, जान लग गया, तीन दिन तक खड़े रहे। एक उदाहरण है, ये इसलिए दिया है कि आपको देर नहीं लगेगी, अभी फैसला हो जाएगा। जब ध्यान की स्थिति मैंने आपने अपने कई परिचितों की मौत देख ली, मैंने आपको बताया ना पातंजल योग दर्शन में विभूति पाद में 33 और 36 दो सूत्र है, समझे। उसमें साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता सुनता है। बुद्ध ने अपने कई सौ जन्म पिछले देख लिए, मगर भविष्य को देखने की बात केवल पातंजलि योग दर्शन कहता है। विभूति पाद में 33 और 36 दो सूत्र है। तो इस प्रकार आपने अगर जे भविष्य को देख लिया, जन्म मरण का घात प्रतिघात सभी तो देखेंगे, अपने परिचितों की मौत देख ली और जैसे देखी वैसे ही होती चली गई, एक दो में तो टाल दो एक्सेप्शनल कहके, अब 20-30 अपने परिचितों की जानकारों की मौत देखी और देखिए वैसे ही होती चली गई। एक राजस्थान में रविंद्र जैन जालौर का मेरा शिष्य है, उसको पित्त का गठिया था, पित्त का गठिया वात का तो होता है, पित्त का गठिया होता है वो पेन किलर से भी ठीक नहीं होता। तो डॉक्टर ने कहा तू अगर 60 साल की उम्र है तो 40 में मरेगा और जीवन भर दुख पाएगा। वो अपने एक दोस्त लोकेश सिंह राजपुरोहित के साथ आ गया